दोस्तों, यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में हर घर दस्तक मुहिम के तहत जारी कोविड-19 टीकाकरण मुहिम को मुस्लिम इलाकों से भारी प्रतिसाद मिलता दिख रहा है। मोदीनगर, गवलीपुरा और चांद नगर में वैक्सीनेशन को मिल रहे भारी प्रतिसाद से वैक्सीनेशन के लक्ष्य को लेकर प्रशासन की बढ़ी हुई चिंता कम होती नजर आ रही है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की ये रिपोर्ट। कल तक मुस्लिम समाज में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियों पर प्रशासन बेहद चिंतित था। कुछ दिनों पहले तक उप विभागीय अधिकारी सावन कुमार, दिग्रस के प्रभारी तहसीलदार सुधाकर राठौड़ और नगर पालिका के दिग्रस मुख्याधिकारी शेषराव टाले ने बीते दिनों वैक्सीनेशन को लेकर हुई मीटिंगों में मुस्लिम समाज में वैक्सीनेशन को लेकर फैली उदासीनता और अत्यल्प प्रतिसाद पर चिंता जाहिर की थी। प्रशासन को मुस्लिम इलाकों में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए राजी करने की बात किसी चुनौती जैसी लग रही थी। ऐसे में विभिन्न मुस्लिम इलाकों के जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर आगे आकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर देखा गया कि प्रशासन की पहल अगर सकारात्मक हो तो उसके नतीजे भी सकारात्मक ही होते हैं। यही वजह है कि अब शहर के गवलीपुरा, मोतीनगर और चांद नगर आदि इलाकों में बड़ी तादाद में लोग उत्साह के साथ वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं। बीते शुक्रवार से सोमवार तक गवलीपुरा में 600 से अधिक, वहीं मोतीनगर में 300 से ज़्यादा लोगों ने कोविड-19 का टीका लगाया है। सिर्फ स्टेट में नहीं, ऑल ओवर कंट्री में टारगेट किया जा रहा था कि वो लोग वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे फख्र है और खुशी है इस बात की कि आज मेरे अपने शहर में, जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पर करीब करीब 90% या 95% का जो मुस्लिम तबका है वो वैक्सीनेशन ले रहा है और दूसरों को आगाह कर रहा है और दूसरों को जागरूक कर रहा है। मैं आपको ये बता दूँ, क्या मोतीनगर में करीब करीब 300 से 400 वैक्सीनेशन हो चुके हैं, जिसमें मुस्लिम तादाद बड़ी अच्छी तरीके से इसमें समाविष्ट हुई है और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। इसी तरह से बुधवार को चांद नगर में हर घर दस्तक मुहिम के तहत शुरू किए गए वैक्सीनेशन अभियान को भी बढ़ चढ़कर प्रतिसाद मिला है। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवक फिरोज पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नगर परिषद मार्फत सीओ साहब और उनके पूरी टीम के मार्फत आज हर घर जाके लसीकरण करने के जो मुहिम है वो लोगों ने उस पर उसमें प्रतिसाद दिए हैं और लोगों का आज ये है कि लोग उससे जन जागरूक लोग हो गए और उससे आज भय उनके दिमाग में का निकल गए हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लस ले रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे समाज में ये जन जागरूकता हो गई और मेरे समाज भी आज लस लेने को खुद मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मेरे को फ़ोन पर बोल रहे हैं कि हमको लस लेना है, हमको लस लेना है। और ये लस से कोई फर्क नहीं गिरता और ये लस जो है, ये लस अपने शरीर में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का काम करती है और ये बीमारी को अपने दूर रखती है और ये लस जरूर लीजिए, मैं मेरे तरफ से गुजारिश करता हूँ। बीते सप्ताह से मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों में कोविड-19 टीकाकरण को मिल रहे सकारात्मक प्रतिसाद से प्रशासन के वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की चिंता अब दूर होती नजर आ रही है। इस बात पर स्थानीय नगर पालिका के मुख्याधिकारी शेषराव टाले ने अपनी प्रतिक्रिया NBCN को दी है। शेषराव टाले, मुख्याधिकारी नगर पालिका दिग्रस। दिग्रस शहरामध्ये हर घर दस्तक या अंतर्गत आपण आता घरोघरी जाऊन लसीकरण करत आहे आणि यामध्ये आता उत्तम प्रकारे प्रतिसाद आपल्याला मिळत आहे। सुरुवातीच्या काळामध्ये जे मुस्लिम समाजाच्या विशेषतः एक प्रकारचे रूमर्स होत्या, काही गलतफहमी होत्या, काही भीती होती लोकांच्या मनामध्ये आणि ते घालवण्यासाठी आम्ही आरोग्य विभाग, महसूल विभाग यांच्या टीमने, स्थानिक नगरसेवक, धर्मगुरू, समाजातले ज्यांचं वजन आहे समाजामध्ये असे लोक प्रतिष्ठित यांची वारंवार भेटी घेतल्या आणि त्यांनीसुद्धा त्यांच्या स्तरावरून लोकांना हे पटवून दिलं की हे लस पूर्णतः सुरक्षित आहे। हे जे बाकीचे अफवा चालू आहे ह्याच्यामध्ये कुठलंही तथ्य नाही आणि आता समाजाचं जे मन आहे, जे विचार आहे, ते आता नकारात्मकतेकडून सकारात्मक झालेले आहे आणि प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात मिळत आहे। मला अशी आशा आहे की या महिन्यामध्ये कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रशासन की सकारात्मक पहल को जनता का भी सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। यही प्रतिसाद बरकरार रहा तो उम्मीद है जल्द ही दिग्रस शहर और दिग्रस तहसील वैक्सीनेशन के निर्धारित लक्ष्य को जल्द ही हासिल कर पाएगी। BCN News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।